हम बात करते हैं कावेरी रिवर की। कावेरी रिवर यहाँ पे है, इसके पहले हम जाते हैं पल्लार रिवर, नहीं लिखा था तो अब लिख लो कि पल्लार है, ठीक है। और पल्लार जावड़ी जिंगी हिल हमने दिखा दिया था, नहीं दिखाया था, तमिलनाडु में है जावड़ी हिल जिंगी हिल, ये कहाँ है तो तमिलनाडु में है। पल्लार रिवर लिखो, ठीक है, और पल्लार रिवर के जस्ट नीचे, ठीक है, पल्लार रिवर के नीचे में है किली वैली लेक। क्या है नाम? किली वैली लेक। तो सबसे ऊपर लाइन खींचे जो नॉर्थ टू साउथ ईस्टर्न घाट पे नदियाँ लिख रहे थे, पूर्वी घाट पे, उसी में, और उसमें लिखे कि पल्लार रिवर, उसके नीचे किली वैली लेक, और किली वैली लेक में कोई भी नदी नहीं जा रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। अब लिखे कृष्णगिरी रिजर्वायर, महेंद्रगिरी रेंज में कृष्णगिरी रिजर्वायर से एक नदी आती है जिसका नाम है पोनियार रिवर, पोनियार रिवर। ओके, तो पोनियार रिवर कृष्णगिरी से आती है, और कृष्णगिरी रिजर्वायर से आगे एक और रिजर्वायर है जिसका नाम है सतमर रिजर्वायर, सतमे। अब ये जो सतनूर रिजर्वायर है, सतनूर से आती है पोनियार रिवर, मतलब सबसे पहला नदी है जिसका नाम है कृष्णगिरी, दूसरा का नाम है सतनूर, तीसरा का नाम है पोनियार। ओके, उसके नीचे कौन सी नदी आती? तो उसके नीचे एक और नदी आती है जिसका नाम है मणिमुक्ता रिवर और गोमुक्ता रिवर। अब मणिमुक्त और गोमुक्त रिवर आकर के सामने बाहर आ जाती है उसमें। अब ये जो रिवर आती है मणिमुक्ता और गोमुक्ता, उसके साथ एक और वेल्लार रिवर कुल्लार रिवर आता है, मतलब मणिमुक्ता गोमुक्ता वेल्लार और कुल्लार, मणिमुक्ता गोमुक्ता वेल्लार और कुल्लार, चार नदियाँ बाहर आती हैं। तो सबसे पहले याद रखना है पल्लार रिवर, किलीवली लेक, किलीवली लेक में कोई नदी नहर नहीं आती है, नहीं जाती है, कृष्णगिरी रिजर्वायर और सतनूर रिजर्वायर से पनियार रिवर आती है, कृष्णगिरी रिजर्वायर से सतनूर रिजर्वायर से पोनियार रिवर आती है। तो पोनियार रिवर इज़ रिलेटेड भी तो कृष्णगिरी रिजर्वायर या तो सतनूर रिजर्वायर, दोनों में से कोई एक रहेगा, टिक कर देना, है ना, ठीक है। तो ये है सतनूर रिजर्वायर और कृष्णगिरी रिजर्वायर। अब उसके बाद मणिमुक्ता और गोमुक्ता, मणिमुक्ता और गोमुक्ता और वेल्लार और कुल्लार, तो ये चारों को एक साथ याद रखना, मणिमुक्ता गोमुक्ता वेल्लार कुल्लार, ये पन्नियार से नीचे है और कोली डैम रिजर्वायर से ऊपर है, कोली डैम रिवर से ऊपर है। ओके, तो ये पन्नियार से नीचे है और कोली डैम रिजर्वायर से ऊपर है, मणिमुक्ता गोमुक्ता, मणिमुक्ता गोमुक्ता वेल्लार, मणिमुक्ता गोमुक्ता वेल्लार कुल्लार, मणिमुक्ता गोमुक्ता वेल्लार और कुल्लार, इस तरीके से करना है। सबसे पहले याद होना चाहिए मणिमुक्ता, दूसरे का नाम होना चाहिए गोमुक्ता, तीसरे का नाम होना चाहिए वेल्लार, तीसरे का नाम होना चाहिए कुल्लार। तो मणिमुक्ता गोमुक्ता वेल्लार एंड कुल्लार याद रह जाएगा, और पोनियार के नीचे है और कोली डैम के ऊपर है। अब आते हैं कावेरी रिवर में। कावेरी रिवर जैसे ही किनारे पर आती है वो बट जाती है, एक कोली डैम रिवर और कोली डैम बांध भी है ना, तो दूसरा कावेरी का कावेरी चली जाती है और तीसरा एक और बन जाती है, ठीक है। अब इसका ट्रिब्यूटरी देखते हैं, कहाँ कहाँ से चल के आ रही है ये नदी। तो इसका सबसे पहले बायां, मतलब जो लेफ्ट बैंक होता है उसको देखते हैं हम, सबसे पहले बायां का ही देखते हैं, लेफ्ट बैंक का। तो ये कावेरी रिवर है, ऐसे ऐसे चली आ रही है, ये देखो ये चली आ रही है। तो सबसे पहले दो रिजर्वायर देखो कि एक कृष्णराज सागर है, कृष्णराज सागर, और दूसरा है स्टैनली रिजर्वायर, ठीक है। इसमें दो रिजर्वायर दिख रहे हैं, हम एक एक नदियों को आराम से ऑब्जर्व करें, हमें कहीं जाना थोड़ी है, हाँ तो कहीं नहीं जाना है तो हम आराम से ऑब्जर्व करेंगे। तो ये कृष्णा कावेरी रिवर है, सबसे पहला ट्रिब्यूटरी हम देखते हैं कावेरी रिवर का। तो पहला है हेमावती, 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 युगाशी, युगाशी, हेमोती, युगाशी, ठीक है, शिमसा, शिमसा, हेमोती, पहला है मोती, युगाछी, सिमसा, और ये है उर्क अर्कावती, अर्कावती, ठीक है, हे मोती, सिमसा, अर्कावती, ओके, ये तीन रिजर्व इसके ट्रिब्यूटरी हो गए। और चौथा है त्रिनानु मुट्टई, ठीक है, कौन सा है? त्रिनानु मुट्टई, ठीक। तो ये है त्रिनानु मुट्टई, हेमोती, युगाशी, शिमसा और कावती, ठीक है। और यहाँ पे एक और है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है,
नाउ अब आते हैं पहले पे, हेमोती योगाशी। हेमोती नंबर वन बोलो, हेमोती नंबर टू बोलो, योगाशी नंबर वन, हेमोती नंबर टू, योगाशी नंबर वन, हेमोती नंबर टू, योगाशी नंबर वन, हेमोती नंबर टू, योगाशी नंबर थ्री, शिम सा। ओके तो नंबर वन बोलो हेमोती, नंबर टू युगाशी, नंबर थ्री शिम सा। अब हेमोती युगा हेमोती और युगाशी के बाद आता है डायरेक्ट कृष्ण राज सागर रिजर्वायर। तो कृष्ण राज सागर रिजर्वायर इज रिलेटेड विथ कृष्णा कावेरी रिवर। हाँ तो कावेरी रिवर लगाना, कृष्णा रिवर मत लगा देना। और कृष्ण गिरी रिजर्वायर है, कृष्ण राजा और कृष्ण गिरी में फ़र्क है, तो वो पोनिया रिवर से है, ठीक है ना। सतनूर रिजर्वायर याद है ना, हाँ सतनूर रिजर्वायर भी पोनिया रिवर से है। और ये इस बार का सवाल रहेगा किसका, यूपीएससी का, कौन सा, कि पोनियार रिवर इज रिलेटेड विद कृष्णगिरी रिजर्वायर, कृष्णराज रिजर्वायर, कोल्लेरू रिजर्वायर और अर्कावती रिजर्वायर और किलीवली लेक। और इतने बच्चे बोलेंगे यार ये क्या मजाक चल रही है। ठीक है नाउ अब दाएं बैंक के ट्रिब्यूटरी पे आते हैं कि ये कावेरी का दाएं वाला ट्रिब्यूटरी कौन सा है। तो लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है लक्ष्मण तीर्थ है, फिर सुवर्णवती है, मैंने बताया था ना कि स्वर्ण रेखा भी नहीं है, स्वर्णमुखी भी नहीं है, स्वर्णवती है, ठीक है, फिर भावनी है, ठीक है, क्या है, भवनी है, लक्ष्मण है, काबनी है, स्वर्णवती है, भवानी है, नोइल है, नोइल है, ठीक है, और ननगंजी है, ननगंजी, ठीक है। तो ये चार राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मिल गई हमें, एक मिला लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, ठीक है, फिर स्वर्णवती, फिर भवनी, और यहाँ पे है सागर रिजर्वायर, भवनी सागर के साथ में, भवनी सागर रिजर्वायर भी है, भवनी रिवर के साथ में। और नोइल, नोइल याद रहेगा, भवनी से भवनी सागर याद रह जाएगा कि भवनी किसका है, और कवनी से कवनी याद रह जाएगा, ठीक है। इतना भी क्या मतलब गर्म होना है भाई साहब इस गर्मी ठंडा में। तो ये इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया, ठीक है। अब कावेरी से नीचे चलते हैं कि उसके नीचे भी कोई नदियां हैं क्या। हाँ तो कावेरी से नीचे भी नदियां हैं, एक का नाम है वलियार, वलियार रिवर से याद रखना, ठीक है, एक दूसरे का नाम है मनीमतार। तो ऐसे लिख दो कावेरी, कावेरी, कावेरी की कुछ ट्रिब्यूटरी हैं तो उसको अलग एक साइड में बना दो एक पेज पे, ठीक है। उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट वाले में लिखो कि कावेरी है, यहाँ पे हमने स्वर्ण मुखी के साथ ख़त्म किया था, तो यहाँ पे हमने मैंने पहले बताया कि दो लेक्स हैं, एक का नाम है पलार रिवर, दूसरे का नाम है किलिवली लेक, पलार रिवर के साथ किलिवली लेक, फिर पोनियार रिवर है, पोनियार रिवर, उसके बाद कावेरी, नहीं उसके बाद और चार नदियाँ आती हैं जिसका नाम है मणिमुक्ता, ठीक है, और गोमुक्ता, वेल्लार और कुलार, ठीक है, फिर उसके बाद कोली डैम, कावेरी। तो कोली डैम पहले लिखना, कावेरी बाद में लिखना, पहले किलिवली लिख लेना, पोलार लिख लेना, फिर मणिमुक्ता, गोमुक्ता और कुलार, और कुलार और, ठीक है, फिर कोली डैम, कावेरी। उसके बाद आराम से आना नीचे, कावेरी हो जाए तो लिखना वलियार, वलियार का स्पेलिंग है VALYYAR, वलियार, फिर मणिमुक्तार, फिर वैगई। अब वैगी ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि मदुरई से पार होकर के आती है, ठीक है ना, मदुरई से पार होकर के आती है। और वैगई से ऊपर लिख लेना एक रामनद, अब ये रामनद क्यों लिखना है तो लिख लेना बस, ठीक है। और वैगई रिवर जहाँ करके जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे लिख लेना कि पंबन चैनल है। तो सिंपल सी बात है कि पहले कोली डैम लिखना है, पहले क्या लिखना है, कोली डैम, सर मैं तो लिखता हूँ या तो सुनता हूँ, दोनों काम तो बलियार एक साथ कर नहीं सकता, नहीं मनी मतार एक साथ कर सकता हूँ, मैं तो बोल लेता हूँ या तो लिख लेता हूँ या तो सुन लेता हूँ या तो चल लेता हूँ, साथ साथ तीन चार काम हमसे ना हो पाते। एक काम करो वापस से लिखो, कोली डैम, कावेरी, वलियार, मनी मतार, मदुरई से वैगई रिवर आती है और ये रामनद के आसपास जाती है और वहीं पे पंबन चैनल है, फिर लिखो गुन्नार, ठीक है, अर्जुन, फिर व्यापार,
गुन्नार, अर्जुन, व्यापार। तो लिखो कोली डैम, कावेरी, वलियार, मनवतार, वैगई, गुन्नौर, अर्जुन, व्यापार, चित्तार, ठीक है, और तिरुवन वैली। ठीक है, तो इतना करो आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। ये है कावेरी रिवर, और कावेरी में हमें मज़ा आया आया कि नहीं आया। हाँ, बाकी इसको चाहो तो लाइक कर दो, मन करे तो शेयर भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, और चाहो तो इको उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है तो कमेंट में लिखो कि मास्टर अपने को आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ने का है। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो नीट के लिए स्पेशल। ठीक है, बाकी 6 से 12 किसी भी क्लास से ज्वाइन कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण।